एंड वेलकम टू वन वन न्यूज। 2018 को ऑफिशियली हमने मैरिज ईयर डिक्लेयर कर दिया। कई लोगों ने 2018 में अपना प्यार मुकम्मल किया और शादी के बंधन में बंध गए। उनमें से एक हैं कपिल शर्मा, जिन्होंने आखिरकार गिन्नी को अपना हमसफर बना लिया। कपिल और गिन्नी की प्यार की दास्तान बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं, पर दोनों की नजदीकियां हसबलिए के सच पर बढ़ गई। दोनों ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए कभी दोनों ने एक दूसरे को ऑफिशियली डेट नहीं किया। कपिल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी गिन्नी से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों ने एक साथ करियर की शुरुआत करी और तब कपिल इतना बड़ा नाम नहीं हुआ करते थे। कॉलेज के दौरान गिन्नी कपिल के लिए खाना लेकर आया करती थी और तभी कपिल के एक दोस्त ने उन्हें बताया कि गिन्नी उन्हें लाइक करती है। इस पर कपिल ने गिन्नी को कन्फ्रंट किया और पूछा, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? गिन्नी ने उस पर कहा हाँ। तब गिन्नी 19 और कपिल 24 के थे। दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई और उनका रिश्ता गहरा हो गया। फिर कपिल मुंबई आ गए और उन्होंने लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दिया, पर वो रिजेक्ट हो गए। इस पर उन्होंने गिन्नी को फोन करके कहा कि मुझे कभी कॉल मत करना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो गिन्नी के लायक नहीं है और उनकी कास्ट भी अलग थी। पर कुछ समय बाद उन्होंने फिर से लाफ्टर चैलेंज में ऑडिशन दिया और इस बार कपिल सेलेक्ट हो गए। इस पर गिन्नी ने उन्हें फोन करके बधाई दी। उसके बाद दोनों अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती चल पड़ी। गिन्नी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई और कपिल अपने शो में बिजी हो गए। जब कपिल मुंबई आए तो उस दौरान उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उनका नाम उनकी शो की क्रिएटिव हेड प्रीति से भी जुड़ा, पर इन सब के दौरान गिन्नी ने कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तब कपिल को एहसास हुआ कि इतना कुछ हुआ, लेकिन गिन्नी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, अपनी दोस्ती बरकरार रखी और जब जब उन्हें जरूरत पड़ी उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तभी कपिल ने यह फैसला लिया कि वो गिन्नी को अपना हमसफर बनाएंगे। तो इसी तरह सबको हंसा कर दिलों को जीत लेने वाले कपिल गिन्नी को अपना दिल हार गए और इस तरह उनकी खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत हुई। कुछ और ऐसी मैजिकल लव स्टोरी देखने के लिए आप बने रहिए वन वन न्यूज के साथ।